नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपने देखना शुरू कर दिया है एबीटी। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के जमनिया क्षेत्र की है, जहां नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी को लेकर लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। लोग आक्रोश में थे, लेकिन विरोध शांतिमय था। संवाददाता जफर इकबाल ने जब विरोध कर रहे लोगों से बात करने की कोशिश की तो लोगों ने कहा कि ये कानून देश को बांटने वाला है, भाजपा की सरकार इस कानून को देश को बांटने के लिए लेकर आई है। लोगों का कहना था कि जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई परेशान हैं और जुल्म सह रहे हैं, वैसे ही हिंदुस्तान का मुसलमान भी पाकिस्तान और बांग्लादेश में जुल्म सहता है। स्लोगन्स तो हाथ में काफी दिख रहे हैं, रिजेक्ट सीए। आप प्लीज दो चार लोग ये बता दें कि अपोज जो है वो क्यों है, ताकि फिर बात आगे उस संदर्भ में बात आगे बढ़ाई जा सके। क्योंकि जो मुझे कहना होगा वो आप अगर चीजें बताते हैं उस संदर्भ में, क्लैरिफिकेशन अगर मैं दे सकूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो जो क्वेरी रहे या जो बातें हैं वो आप अगर करते हैं कि हम किसी भी चीज़ का अपोज करते हैं तो हमें पता होता है कि वो उससे हमारी हक तलफी क्या है, हमें होने वाला उसका नुकसान क्या है, वो जब स्पष्ट रहता है तो विरोध भी सही रहता है। मैं यही जानना चाहूँगा, दो चार लोग आप लोगों में से इस चीज़ को शेयर कर दें कि इसका अपोज क्यों कर रहे हैं। सिख, जैन, बौद्ध सबके लिए बना है तो मुस्लिम को क्यों नहीं? पर सवाल इस बात का मेरा विरोध है और विरोध चलता रहेगा। हम लोग यहाँ सब इकट्ठा हुए थे इसीलिए, और एसडीएम साहब यहाँ आए भी थे। हमने सबने अपना प्रोटेस्ट बहुत शांति पूर्वक प्रस्ताव रखा उनको, उनसे फेस टू फेस सवाल भी किए, उन्होंने जवाब भी दिए। कुछ सेटिस्फैक्ट्री रहे, कुछ डाउटफुल रहे हैं, हमने अपने जज्बात पूरे एक्सप्रेस कर दिए हैं। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे जज्बात को जो पंपलेट के जरिए हम लोगों ने उनको जमा किया है, हैंडओवर किया, वो आगे सरकार तक पहुंचाएं, ये उनका काम है। और हमने अपना, हम लोग इसके मुखालिफ है, ये हमारा मौकफ है, हम इस पर तैयार हैं, हम इसके मानेंगे नहीं। सीए और एनआरसी ये देश के लिए अच्छी चीज़ नहीं, इसमें बहुत सी छिपी छिपी बातें हैं जो इशारा कर रही हैं कि देश को खतरा और तोड़ने की नीयत बनाई जा रही है, ये हमारा सीधा हिसाब है। जनाब, विरोध तो शांतिमय ढंग से था, लेकिन आपके आरोप भी तीखे हैं। खैर, तीखे तो उप जिलाधिकारी सत्यप्रीत सिंह के सवाल भी हैं। दो चार लोग ये बता दें कि अपोज जो है वो क्यों है, ताकि फिर बात आगे उस संदर्भ में बात आगे बढ़ाई जा सके। उप जिला अधिकारी का सवाल तो तीखा था, लेकिन इन जनाब ने उतना ही तीखा आरोप सरकार पर लगा दिया। आपको गुमराह किया जा रहा है? नहीं है कि एनआरसी और सीएए जो लागू हो रहा है निश्चित रूप से भारत को बंटवारे की तरफ ले जा रहा है, और मैं इसका खिलाफत करता हूँ। भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है, और मैं कतई किसी भी धर्म समुदाय के खिलाफ कोई भी कानून बनेगा उसके खिलाफ मैं आंदोलन करता रहूंगा। ये अंतिम आंदोलन नहीं है, अगर वो नहीं मानेंगे तो आज ये खाते में हुआ है, कल हम सड़क पर उतरेंगे और संसद घेरने का काम करेंगे। पूरा इनके साथ है, पूरे जो संसद घेरने का काम करेंगे निश्चित रूप से। संविधान के साथ बताएंगे, छेड़छाड़ करके परिवर्तन किया जाए निश्चित, जो भारत के संविधान में आर्टिकल में जो दी गई है बातें उसके विरुद्ध यह कानून, ये जो भारत में जो बैठे हुए संसद में हुक्मरान बने बैठे हैं, यह निश्चित रूप भारत को बांटने का काम कर रहे हैं, एक धर्म के नाम पे, जात के नाम पे। यह कतई भारत के या लोकतंत्र पे खतरा है, भारत के संविधान पे खतरा है, इसकी लड़ाई हम लोग सड़क से संसद तक लड़ते रहेंगे। तो ये कह सकते हैं कि ये चुनाव को लेकर ऐसा पोलराइजेशन करना चाहते हैं और महंगाई से मुद्दा हटाना चाहते हैं। चूंकि यह राजनीतिक कोई बैठक नहीं थी इसलिए मैं राजनीति की तरफ नहीं ले जाता हूँ, लेकिन सवाल आपने दाग ही दिया है। तो जो जिस पार्टी की सरकार इस देश में चल रही है वो सिर्फ हिंदू और मुस्लिम के नाम पे देश में आज भुखमरी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कानून लाकर भ्रमित किया जा रहा है। और ये इनका इतिहास रहा है कि धर्म को और जात के नाम पे दंगे कराकर, उन्माद फैलाकर सत्ता में बैठने का इन्होंने काम किया है, वही आज करना फिर चाहते हैं। ये इनकी पूरी मंशा है और ये मंशा हम लोग पूरे नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे। थैंक यू।